नगर झुग्गियों में गुरुवार रात आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक इस आग में 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। फायर डिपार्टमेंट को रात 11:20 पर इस घटना के बारे में सूचना दी गई, जिसके बाद 30 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुट गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बता दें कि इन झुग्गियों में बड़ी संख्या में मजदूर रहते हैं। जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात 11:20 पर कीर्ति नगर के टिम्बर मार्केट के पीछे की झुग्गी बस्ती में आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुट गई थी। प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में लगा हुआ है और इस घटना में किसी का भी हताहत होने की खबर नहीं आई। बताया जा रहा है कि झुग्गियों में मौजूद सिलेंडर में हुए ब्लास्ट के चलते आग ने और भी भयावह रूप धारण कर लिया था। फिलहाल इस पर काबू पा लिया गया है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। दिल्ली के कीर्ति नगर को एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट कहा जाता है। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी लपटें काफी दूर तक देखी गई थी। साथ ही एहतियातन इलाके की बिजली काट दी गई और पुलिस टीम झुग्गी बस्तियों में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में जुटी है। बता दें कि इस इलाके में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।